आज है 29 तारीख दिसंबर 2023 और दो दिन के बाद नए साल का शुभारंभ होगा। तो दिसंबर महीने में काफ़ी पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर फल नहीं आते, पत्ते नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनके ऊपर आपको फल निकले हुए मिलेंगे। तो उनमें से एक पेड़ है कटहल का और मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ वो कटहल का पेड़ है। बहुत ही अच्छे फल इस पे आए हुए हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे। ये बहुत सारे फल इसमें जो है नए लगने को तैयार है और आप देखेंगे, और नज़दीक में कैमरा ले जाता हूँ तो बहुत छोटे छोटे कटहल इसमें लगने हैं जो आने वाले 3 से 4 महीने में काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाएंगे। और इस पेड़ में बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दिसंबर महीने में जब ठंड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस पेड़ ने एक हमें ऐसा संदेश दिया है कि जीवन में परिस्थिति कोई भी है, हमें जो है आगे बढ़ना है, कुछ नया जीवन, कुछ नया करना है। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे कटहल लगे हुए हैं, छोटे छोटे करके ऊपर तक हर एक टहनी पे, और पूरा पेड़ कटहल से भरा हुआ है। यहाँ नीचे जो तना है उसमें भी काफ़ी संख्या में नए नए कटहल निकल रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा देखते हुए, बहुत ही बढ़िया। पूरे पेड़ में कटहल ही कटहल छोटे छोटे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। बहुत ही छोटा सा कटहल यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे तने के ऊपर भी ये दो कटहल नए तैयार हो रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो प्रकृति कितनी खूबसूरत है आप देख रहे होंगे, जहाँ पे दिसंबर महीने में नॉर्थ इंडिया में पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो फल दे रहे हैं। प्रकृति अपने आप में बहुत अद्भुत है और आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ये नज़ारा है। इसी के साथ मैं यही कहूँगा, परिस्थिति कोई भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि दिसंबर महीने में जहाँ पत्ते गिर रहे हैं लेकिन कटहल के पेड़ पर फूल, और ये देखिए कितने प्यारे फल के रूप में तैयार हो रहे हैं, ये काफ़ी विकसित हो गया, अलग हो गया, और ये फूल की तरह अभी है, विकसित होने की कोशिश में है। और ये भी देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर। तो यही प्रकृति का नज़ारा है और हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें पॉजिटिव होकर जीवन जीना चाहिए। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।